वेलकम टू रोबस्ट न्यूज। रोबस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको CIA और NRC से बचने का तरीका बता रहे हैं और चैनल पर बने रहें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू वाहिनी, हिंदू सेना, हिंदू समाज वगैरह जैसी तंजीमों के लीडर कहीं खुलेआम तो कहीं ढके छुपे अल्फाज में सच बोलते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि CIA और NRC का असल मकसद मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर निकालना, उनके वोट का हक छीनना और उन्हें मजहब तब्दील करने पर मजबूर करना है। जबकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखला अमित शाह, वजीर कानून रुई शंकर प्रसाद जैसे बार बार कह रहे हैं कि CIA का हिंदुस्तानी मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। हिंदुस्तानी मुसलमानों को इससे डरने की ज़रूरत नहीं। यह कानून शहरियत देने के लिए है, लेने के लिए नहीं। यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की गैर मुस्लिम अकलियतों को राहत देने और हिंदुस्तान की शहरियत देने के लिए है। मगर ज़मीन पर इनका लीडर खुल्लम खुल्ला कहते नज़र आ रहे हैं कि इस कानून के जरिए मुसलमानों से उनकी शहरियत का हक छीन लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी के हलका वाराणसी में बड़े बड़े बैनर्स और पोस्टर लगे हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वही बैनर में उन्हीं तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं, जिनमें मुसलमानों से कहा गया कि हिंदू बन जाओ और NRC से छुटकारा पाओ, NRC और CAA NPRA वगैरह से छुटकारा पाओ। हिंदू समाज पार्टी और इसके लीडर रोशन पांडे ने यह पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में मुस्लिम खातून को भगवा पगड़ी पहने दिखाया गया है, जो कि आप चित्र पर देख सकते हैं, और लिखा है कि हिंदू धर्म में घर वापसी करो, CIA और NRC से छुटकारा पाओ। सोशल मीडिया पर भी बड़े पैमाने पर इस किस्म के इश्तियाल अंगेज नारे और पोस्टर भेजे जा रहे हैं। जगह जगह मुसलमानों को धमकी दी जा रही है कि वह बचना चाहते हैं तो इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म कबूल करें। पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। रोशन पांडे को दिखावे के लिए, आप तो जानते ही हैं हमारे देश के पुलिस किस तरह से काम करती है, वो दिखावे के लिए गिरफ्तार करके फौरन जमानत दे दी गई। पुलिस का कहना है कि पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तहकीकात के बाद होगी, अभी FIR और नामालूम लोगों के खिलाफ की गई है। जबकि पोस्टर पर वाजह तौर पर हिंदू समाज पार्टी का नाम लिखा है। वाराणसी में जहां हमेशा मुस्लिम इत्तेहाद कायम रहा है, माहौल को बिगाड़ने और दंगे कराने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का रवैया बहुत ज़्यादा अकलियत मुखालिफत और ताशुब आमेज है। मगर वाराणसी के अमन पसंद हिंदू मुसलमानों के साथ खड़े हैं और हुकूमत के रवैया के खिलाफ तैयार हैं। चलिए, खबर कैसी लगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी जानकारी को अपडेट करें। कमेंट बॉक्स पर कमेंट